विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता भी विधायक के कामकाज के बारे में जानना चाहते हैं। नमस्कार, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका। पेशकश में आपको बताएंगे कि अब तक विधायक ने जो काम किया, इसे लेकर लोगों ने कितने नंबर्स विधायक को दिए हैं, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि जिस नेता को उन्होंने विधायक चुना था, उसका रिपोर्ट कार्ड आखिर है कैसा। तो ये खास प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे सांचौर विधानसभा सीट की खबर, तकरीबन 4.5 साल में कितनी बदली क्षेत्र की तस्वीर, जनता की कसौटी पर क्या वाकई खरे उतर पाए गहलोत कैबिनेट के मंत्री सुखराम बिश्नोई। तमाम समस्याओं और मुद्दों की पड़ताल के साथ जानेंगे मतदाता के मन की भी बात। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोगों की चाह थी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित प्राचीन सांचौर की भौगोलिक स्थिति के कारण ये इलाका राजनीतिक रूप से भी काफी अहम रहा है। पाकिस्तान सांचौर विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक सुखराम बिश्नोई ने यहां लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। 2018 में सिरोही, जालौर और पाली में एकमात्र कांग्रेस विधायक होने के कारण बिश्नोई गहलोत कैबिनेट में शामिल हुए और उन्हें श्रम एवं कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई 2013 में भी यहां से विधायक बने। वहीं जीवाराम चौधरी 2008 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। हालांकि सांचौर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। जातिगत आंकड़ों के मुताबिक बिश्नोई वोटरों की संख्या यहां सबसे ज्यादा 40,000 है, मेघवाल 35,000। सांचौर सीट पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या 27,000 और रेबारी करीब 25,000 हैं। रावणा राजपूत 10,000 जबकि राजपूत वोटर करीब 12,000 है। कोली वोटर 16,000 और मुसलमान वोटर 15,000 है। माली वोटर 18,000, जाट वोटर 8,000 जबकि जैन वोटरों की संख्या 6,500 के करीब है। मौजूदा विधायक अपनी उपलब्धियों में नया जिला बनाने समेत राजकीय महाविद्यालय, आईटीआई कॉलेज स्वीकृत करवाने, ट्रॉमा सेंटर, खेल स्टेडियम का नाम जोड़ते हैं। व्यवस्थित तरीके से हुए हैं काम, सभी धरातल पर उतर गए हैं। आप लोग देखोगे एक तरफ कॉलेज बन रहा है, एक तरफ मतलब छात्रावास बन रहा है, इसी छात्रावास एक तरफ पीएससी कॉलेज बन रहा है। ये जो शहर में पुराना जो छात्रावास थी, यहाँ एससी का छात्रावास बन के तैयार हो रहा है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने टच नहीं किया। जो काम मैंने मांगा है वो काम किया है। एक गोला तालाब सुंदरीकरण के लिए 3 करोड़ भी स्वीकृत किए हैं। स्मृति वन, एक बबूल खड़े थे करीब 49 बीघा में, हमने उसको स्मृति वन घोषित करवाया। और ट्रैक कच्चा पक्का 1.5 मीटर का ट्रैक बनवाया, उसे वेदांता ग्रुप से हमने योगा सेंटर्स में स्वीकृत कराया। और यहाँ जो पावर प्लांट है कासेला में, उस तहत हमने दूब लगाई, जिम लगाई, बच्चों की झूले लगाए। हालांकि बोरला तालाब के विकास का वादा पूरा नहीं हुआ। पेयजल सीवरेज व्यवस्था की हालत खराब है तो पानी की निकासी के लिए भी किया गया वादा अधूरा होने के कारण लोगों में नाराजगी है। तो बीजेपी के नेता भी विधायक के कार्यकाल को नाकामी भरा बताते हैं। यहाँ के वर्तमान मंत्री और एमएलए, उन्होंने काम किया है। आज की तारीख में भ्रष्टाचार में फर्स्ट नंबर है, दलितों पर अत्याचार में फर्स्ट नंबर है। आज आप कहीं पर भी जाओगे, युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने में फर्स्ट नंबर है। अच्छा काम किया है, आज तक भविष्य में कभी चित्रशालों में हुआ ही नहीं है। आज की युवा पीढ़ी एमडी स्मैक इतनी बर्बाद हो रही है, खुले आम पुलिस के सामने एमडी स्मैक बिक रही है, इससे अच्छा काम क्या कर सकते हैं मंत्री साहब। विधानसभा चुनाव में सांचौर सीट पर कई चुनावी मुद्दे हैं। शराब की तस्करी का मुद्दा यहाँ काफी अहम है, इस इलाके में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। नशे के कारोबार को लेकर भी सांचौर सुर्खियों में बना रहता है।
और बड़ी कोशिशों के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ। सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला स्थित है, जिसको लेकर भी किए गए वायदे अधूरे हैं। 5 सालों में केवल मात्र सांचौर को पूरे राजस्थान में बदनाम किया है। अगर इन्होंने पानी की व्यवस्था की बात की, मैं आपके सामने गवाह हूँ। रात को 1 बजे पानी आता है, रात को 1 बजे नलों में पानी आता है, और फिर सुबह 6 बजे उनको पूछता तो कि रात को 1 बजे पानी आ चुका है। अब आप सोचिए, रात को 1 बजे कौन सी माँ बहन पानी भरेगी। माननीय विधायक जी का जो ये कार्यकाल है ना, अब तक जितना भी सांचौर के अंदर जो भी कार्यकाल रहा है ना, उसमें अभी का कार्यकाल जितना बदनाम हुआ है वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां एक तरफ सांचौर सीट के विधायक अपने कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताते हैं, वहीं विपक्ष का आरोप है कि 4.5 साल में इस सीट पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों की इच्छा थी, उसके अनुरूप शहर का विकास किया, लाइट की व्यवस्था भी की है। आज की तारीख में आप महसूस करेंगे कि सांचौर शहर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कहे कि मुझे पट्टा नहीं मिला है। करीब 99% पट्टे मिल गए हैं, कोई 1% पट्टा बचा है तो वो कोई कांड से बचा, वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। हमने नगर पालिका क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी 20 किलोमीटर रोड इस वर्ष दी थी, 20 किलोमीटर पिछले वर्ष दी, 10 किलोमीटर पिछली बार दी, 50 किलोमीटर शहर के अंदर डामर रोड दी गई है, और साथ ही जिला घोषित कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जिला घोषित करने के बाद में हाथी के पैर में सभी पैर आ जाते हैं। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। जिला बने से सांचौर जो नगर पालिका थी वो नगर परिषद बन गई। यहाँ करीब 20-25 डिपार्टमेंट खुल गए हैं, उनका काम विधिवत रूप से चालू हो गया। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है आने वाले दिनों में खुलेंगे। लोगों को जालौर जिला 150 किलोमीटर दूर था, लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ का जो इंटीरियर गाँव है खेजरली भावण था, यहाँ 70 किलोमीटर दूर है। आप समझो 220 किलोमीटर दूरी थी जालौर जाने के लिए, तो त्वरित न्याय मिलेगा, समय की बचत होगी, धन की बचत होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। गाँव में हम जाते हैं, रोड़े बनी है तो हम खुश थे, अरे इतनी रोड़े बन गई है, इतना काम अच्छा हो गया है। लेकिन इस रोड़ों में इनका घर बनने के लिए दो महीने में रोड़े बनाई हुई, आज की तारीख में आप जाके देख लो, एक ही रोड सही नहीं है। आपने देखा है, आप घूम रहे हो विस्तार में, जो 5 सालों में इन्होंने काम किया है, आज नगर पालिका में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, पूरी सांचौर बेच दी है। इससे अच्छा काम क्या कर सकते हैं मंत्री साहब? बहुत अच्छा काम किया मंत्री साहब, और आगे भी हम तो यही चाहते हैं। आप पब्लिक के पास जाओ, घूमो, बता देंगे, और इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं रेवा शंकर, और आज हम हैं सांचौर में। सांचौर के इस चौटे पे आज हम यहाँ की आम जनता से रूबरू होने जा रहे हैं। विधायक के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में हम यहाँ की जनता से मिलेंगे, जानेंगे उनके जनप्रतिनिधि उनकी बात को विधानसभा में पहुँचाने में कितने सफल रहे, यहाँ की जो सरकारी योजना है वो धरातल पर कितनी उतरी, यहाँ के विधायक जनता से संवाद कितना कर पाए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग यहाँ के जो आम जन के साथ में छात्र महिलाएं एवं सामान्य नागरिकों से जानेंगे यहाँ के जो विधायक है वो कितना सफल रहे अपने कार्य क्षेत्र में। जी, यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं और मंत्री जी हैं सुखराम जी विश्नोई, वो क्षेत्र में कितने सक्रिय रहे और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक राजनीतिक भी हूँ, करता हूँ, और एक पार्टी से बिलोंग भी करता हूँ, और एक सांचौर में मेरा बड़ा अच्छा व्यापार भी है। मैं व्यापारी होने के नाते कहूँगा कि हमारे व्यापारियों का आज से लगभग 12 महीने पहले एक 12 दिन तक यहाँ पे धरना चला था। 12 दिन तक धरना चला, उसमें तमाम राजनीति और गैर राजनीति वो हमने मंच बनाया, उसमें किसी भी प्रकार के हमने राजनीति की बात नहीं की। और माननीय यहाँ के मंत्री महोदय जी के सुपुत्र भी हम उसके साथ में शामिल होते थे और बड़े बड़े अच्छे भाषण देते थे कि मैं खुद भी दुखी हूँ। आप उस सुन सकते हो, मैं खुद भी दुखी हूँ। अगर सरकार और शासन भी दुखी है तो फिर ये व्यवस्था ऐसी क्यों चल रही है? उसको सुधारने का जिम्मा किसका है? फिर उसके बाद में मैं सबसे पहले बात करूंगा, बड़े लोग आए, मैं बात करूंगा 12 दिन के बाद में हमारे धरने के सामने एक दूसरा धरना बिठा दिया और व्यापारियों को चोरी चोरी के नारे लगाए, व्यापारी चोर, व्यापारी चोर। अरे भाई, व्यापारी चोर है तो व्यापारी को पकड़ो ना, कौन मना करता है? अगर हल्की चीज बेचता है, डुप्लीकेट बेचता है, ताकत हो तो पकड़ो, कौन मना करता है? लेकिन इस तरह हमारी को हरेसमेंट करके हमारे को व्यापारियों को रात को भागना पड़ा। स्वाभाविक तौर पे कुछ नाराजगी देखने में आ रही है। हम जो यहाँ पे स्थानीय जो पार्षद हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, यहाँ पे जो मंत्री जी ने जो कार्य किए धरातल पे, कितने कार्य हुए, सरकार की योजनाएं धरातल पे कितनी पहुँची, आप इस बात से कितना सहमत? देखिए, सरकार ने और मंत्री जी ने, मंत्री जी भी सरकार का हिस्सा रहे, हमारे यहाँ से विधायक है,
पाँच साल के अंदर 33 साल बाद सांचौर विधानसभा क्षेत्र को मिनिस्ट्री मिली, मंत्रालय मिला है। रघुनाथ विश्नोई जी के बाद में इनका बीच का कार्यकाल एक तरीके से ग्रेस पीरियड रहा। और यहाँ किसी भी विभाग में सबसे अधिक शिक्षा विभाग में कितनी सारी स्कूलों को इन्होंने अरेंज किया, कॉलेज बनाई, आईटीआई के कॉलेज बनाए, जिला अस्पताल बना। सबसे बड़ी बात है कि जिला बना। ये लोग जब अभी कह रहे थे ना कि भाई मंत्री जी और हमने सरकार के खिलाफ धरना दिया, नहीं, वो पुलिस के अधिकारी के खिलाफ धरना था और उनके लेन देन का मामला था, वीडियो भी आया उसका। ऐसे बेबुनियाद कोई व्यापारी दुखी नहीं है। किस पर रेड पड़ी? अगर आप सही काम करें तो कोई नहीं, गलत काम करेगा तो रेड पड़ेगी। मंत्री जी उसमें क्या कर सकते? हमारे साथ में कुछ माताएं बहनें भी जुड़ी हुई हैं। हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके जो विधायक हैं वो सरकार में मंत्री भी हैं, धरातल पे किस प्रकार का काम देखते हैं आप? कितने नंबर देंगे आप यहाँ के विधायक को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने आम जनता की आवाज़ सुनने के लिए कार्यक्रम रखा। जैसे हमारे नगर पालिका के पार्षद जी ने बताया कि आप जिले का क्रेडिट नहीं देते, हम मंत्री जी को जिले का क्रेडिट देते हैं, उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। पर चीज़ ये है कि जिला बनाया, बड़ी खुशी हुई। जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, दरबार चौक से निकलिए, मार्केट में जाइए, सड़कों पे खड्डे, ये शहरी सड़कों का हालत है, शहरी सड़कों का हालत है। बाकी आप ग्रामीण में जाइए, ग्रामीण के भी वैसी कंडीशन है। फिर ये शिक्षा का स्तर का बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स किए हैं, टीचर्स बताइए कहाँ जाके देखें भाई साहब? कच्ची बस्ती यही देखते हैं मार्केट में, मार्केट में देखो मेरे भाई, मार्केट में। 5 सालों में केवल मात्र सांचौर को पूरे राजस्थान में बदनाम किया है। अगर इन्होंने पानी की व्यवस्था की बात की, मैं आपके सामने गवाह हूँ। रात को 1 बजे पानी आता है, रात को 1 बजे नलों में पानी आता है और फिर सुबह 6 बजे उनको पूछता तो रात को 1 बजे पानी आ चुका है। अब आप सोचिए रात को 1 बजे कौन सी माँ बहन पानी भरेगी? और उसके बाद मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थियों का ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लाइटें कब चली जाती है किसी को नहीं मालूम है, लाइटें जाती है घंटों घंटों तक जाती है। बात करें किसानों की तो उनको जो 6 घंटे की जगह 2 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है, आज भी फसलें जल रही है, उनके पास लाइटें नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पहले विधायक थे तब और माननीय मंत्री बने, उसके बाद में भूतों ने भविष्य, इतना काम सांचौर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कहें, आप किसी भी आम आदमी से आप मार्केट में पूछ सकते हैं कि जिला हॉस्पिटल यहाँ बनाया, जिला बनाया। उसके बाद शिक्षा की बात करें तो यहाँ 113 विद्यालय कर्मोत्तर है, सीनियर सेकेंडरी कराए, 5 महाविद्यालय खोले, यहाँ इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार ने महाविद्यालय खोला, उनको बंद किया। सबसे पहले तो ये जो चिल्ला रहे हैं ना, ये बहुत सही चिल्ला रहे हैं दोनों पार्टियों वाले, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सांचौर को इतना लूटा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पिछली बार भाजपा ने लूटा, जमकर लूटा, आप सड़कें देख लीजिए, यहाँ तक यहाँ की पिछली बार की जो बनी हुई सड़कें उसके अंदर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। नगर पालिका ने पिछली बार टेस्ट सबूत कर दिया इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने। इस बार मंत्री जी कोई गलत व्यक्ति नहीं है, मंत्री जी सही व्यक्ति। यहाँ सांचौर में आप सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्री जी के माध्यम से देखते हैं, आप कितने नंबर देंगे सरकार को? देखिए सरकार को मैं 10 में से पूरे 10 नंबर दूंगा। सरकार अशोक गहलोत के द्वारा जो चलाई जा रही है उसके अंदर इतने काम हुए हैं जिनको मैं अगर गिनाने बैठ जाऊं तो प्रधान साहब के पास में ये जो लिस्ट पड़ी है, आपका प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, पूरे दिन 24 घंटे लग जाएंगे अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो। महंगाई रात कैंप को आप उठा कर देख लीजिए, भाजपा के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा? स्मार्टफोन योजना नहीं सहेगा, क्या नहीं सहेगा? रसोई गैस का जो सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है वो नहीं सहेगा, क्या नहीं सहेगा बताइए तो सही। माननीय विधायक जी का जो ये कार्यकाल है ना, अब तक जितना भी सांचौर के अंदर जो भी कार्यकाल रहा है उसमें अभी का कार्यकाल जितना बदनाम हुआ है वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इनको चलती गाड़ी में हमला बोल दिया जाता है, तेजाब डालकर अभी तक वो कोई मामला रफा दफा कर किया जाता है, वो कौन थे, क्यों अभी तक ये मामला दबाया गया है ये पता करो। हमने कई बार ऐसी मांगे करी है, रही बात अपराध की, यहाँ पर तो आप ये बताइए कि धरातल पे उनकी क्या उपस्थिति रही, उनके कार्यों को कितने नंबर देंगे आप? विधायक महोदय ने काम किया होगा तो अच्छा किया होगा, मगर जो सुरक्षा है, पब्लिक को सुरक्षा चाहिए। आज की तारीख में सांचौर जिला पूरे राजस्थान में बदनाम हो गया है। क्यों हो गया? हर कोई चाहता कि हम सांचौर के अंदर नहीं जाना चाहिए। हम विधायक महोदय को नहीं बोलते कि वो गलत है, और पूरे जिले को मतलब बदनाम कर दिया कि भाई कानून व्यवस्था, लोगों को सुरक्षा चाहिए, सड़कें बनेगी, अभी 6 महीने हुआ सड़कें बने और गड्ढे हो गए। बात आती है जालौर की, सांचौर की, तो यहाँ की पानी की व्यवस्था किस प्रकार से है, यहाँ पे किस प्रकार से आप देखते हैं जनता की समस्याएं जो है, मूलभूत समस्या उसमें पानी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जनता की आवाज़ सुन के आए।
पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार हमारी विधायक पानी के लिए मैं आप बात करूँ तो 100% फेलियर है। पिछले साल किसानों को 4 साल से वितरण प्रणाली फेलियर प्रणाली है और जो नर्मदा जी की सफाई करने के लिए अभी जो इन्होंने ड्रॉप लिया था 15 दिन में और उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट पारित हुआ था, नर्मदा नहर की बिल्कुल सफाई नहीं और पैसे मिल गए और वो टेंडर भी हो गए और उसका बिल भी बढ़ गए। अब बात रही ये सभी जो बंधु कह रहे हैं हमने स्कूलें खोली वो स्कूलों में स्टाफ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सांचौर में अपराध ऐसा है कि हम 4 रास्ते पे नहीं जा सकते। सांचौर में सारे लोग सुरक्षित है, केवल इन भाजपाइयों को अपनी राजनीति के अलावा और कुछ ही सूझ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे थे मेरे दोस्त की बकरे के गले में सोने की चेन डाल के घूमिए, अगर कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमारी व्यवस्था सही है, मंत्री जी का काम बहुत अच्छा है और 10-15 साल से जो काम चल रहा है अभी वर्तमान में मंत्री जी खूब काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बीजेपी वाले कहते होंगे, व्यवस्था हमारे सही है। व्यवस्था तो इनके क्या मालूम थी, वो पहले वो कहते ना बकरा वाले चैन वाले, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ठीक है। कोई कांड हुआ तो उसमें हम भी दुखी है, पर वो कोई सतीशाल उसमें दुखी है, वो कोई मंत्री जी नहीं कराया। मैं आपको कहता हूँ सब बैठे हैं। मैं शॉर्ट में बात ये कहूंगा, आज की इसका डिबेट का सार है, एक तो जिला बना है, ये कानून व्यवस्था का रोना रो रहे हैं, पुलिस लाइन यहाँ बनी है, मेरे साथ अभी चले 200 जवान हथियार बंद वर्दी लिए हुए एकदम कानून व्यवस्था बने। सुनो, मैंने विपक्ष को आज यहाँ आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ विपक्ष की दरी लगाई है। 5 साल में विपक्ष को नहीं देखा, अगर हमारी